छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे की नमाज यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी। तकरीर का टॉपिक विवादित न हो इसलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है। मुतवल्ली इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद को राजनीति का अड्डा बनाकर रखा गया है, वहां पर धर्म की बात हो वोट किस पार्टी को देना है, इसे लेकर फतवा जारी न हो, केंद्र की योजनाओं की आधी अधूरी जानकारी मुस्लिम समुदाय को न दी जाए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के समस्त मुतवल्लियों के लिए आदेश हुआ है कि आपको जो भी बयान देना है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना है, अप्रूवल के बाद ही आपको बयान देना है। यह नियम इमाम साहब मौलाना साहब के लिए लागू नहीं होता है और जो भी मुतवल्ली बयान दे सामाजिक समरसता और सौहार्द वातावरण वाला दे, अन्यथा सौहार्द वातावरण बिगाड़ने वाला बयान जारी करेंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक एवं FIR कर दी जाएगी। क्योंकि अधिकतर मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है, दंगा होता है, जुलूस निकलता है, तो सामाजिक समरसता और वातावरण कैसा भाईचारा बना रहे उसके लिए यादें जारी हो रहा है। बयान हमें दे दे, वह बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही जारी करे। देखो मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना, मस्जिद एक धार्मिक स्थल है, धर्म की बात करें, अन्यथा वहां से फतवा जारी होता है, वहां से जालिम की सरकार बोला जाता है कि देश में नरेंद्र मोदी जालिम है, देश में विष्णुदेव जालिम है, इनको अधिकार कौन दिया जालिम बोलने का, और इससे नौजवान युवा भटकते हैं और उससे भाईचारा खत्म होता है, इसके लिए ये नियम लागू किया गया है।